नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र पर हुए दो बम धमाकों में लगभग 103 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि ये इस्लामिक एस्टेट समूह यानी ISIS द्वारा किए गए हमलों की तरह एक आतंकवादी हमला प्रतीत हो रहा है। ISIS ने अतीत में ऐसा किया है और इस समय हमें यही धारणा लग रही है। वहीं ईरान में दो धमाके के बाद इसराइल और ईरान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। करमान विस्फोट में अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बता दें, विस्फोट में 170 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान विस्फोटों में इसराइल शामिल था। वहीं 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान को निशाना बनाने के लिए किए गए सबसे घातक आतंकवादी हमले के लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान के नेताओं ने विस्फोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की कसम खाई। वहीं धमाके के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुए हैं। कासिम सुलेमानी की बुधवार को मौत की चौथी वर्षी थी। ईरानी पुलिस का कहना है कि ये एक फिदायिनी हमला था। पहला धमाका एक सूटकेस में रखे गए बम से हुआ, इसे रिमोट में ब्लास्ट किया गया है। वहीं दूसरे धमाके के बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। दोनों धमाकों के बीच 10 सेकंड का ही अंतर था। वहीं UAE ने दक्षिण ईरान के करमान शहर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि UN इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और मानवीय मूल्यों सिद्धांतों के उल्लंघन में सुरक्षा व स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के हिंसा और आतंकवाद को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है।